एक नॉर्मल इंसान का दिल उसकी बॉडी के अंदर होता है ना, लेकिन आज मैं जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस महिला का दिल इनकी बॉडी के अंदर नहीं, इनकी बॉडी के बाहर है। मिलिए ब्रिटेन में रहने वाली सलवा हुसैन से। दरअसल ये महिला कृत्रिम दिल लेकर इसीलिए घूमती रहती है क्योंकि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था और इस हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वो फिट नहीं थी। अब जब तक इन्हें हार्ट डोनर नहीं मिल जाता है तब तक यह इसी कृत्रिम दिल पर जीवित रहेंगी। इस कृत्रिम दिल को इस तरह बनाया गया है कि यह उनके शरीर में ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखता है। इस दिल में एक मोटर लगा हुआ है जो पतले पाइप में हवा भरता है। ये कृत्रिम दिल एक बैटरी पर चलता है। इसकी बैटरी और हार्ट का वेट तकरीबन 7 किलोग्राम तक है। ये पाइप इनके पेट से होते हुए इनके सीने में लगे प्लास्टिक के दिल तक पहुंचते हैं और हवा भरते हैं, जिससे उनके शरीर में ब्लड फ्लो होता है। इस कृत्रिम दिल की सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इस कृत्रिम दिल की बैटरी का डाउन होना, क्योंकि इसकी बैटरी को बदलने के लिए सिर्फ 90 सेकंड का समय होता है। अगर 90 सेकंड में इसकी बैटरी को ना बदला जाए तो बॉडी में ब्लड फ्लो रुक जाएगा और इनकी जान भी जा सकती है। इनके जीने के जज्बे के लिए एक लाइक करते हुए जाना। बाय।